यार कुछ समझ नहीं आ रही। मैं ना पुलिस स्टेशन में बैठ बैठ के बोर हो गया। मुझे लगता है मेरी बॉडी को जंग लग रहा है। इंस्पेक्टर टिंकू है मेरा नाम, कहने का भी मजा नहीं आ रहा। बोरियत तो हो गई है। कोई काम बताओ, कोई आइडिया दो बड़ा, कोई एडवेंचरस जिसमें मजा आ जाए कुछ। सर जी ये सुपंजू खेले। चलो ये एडवेंचर है। एडवेंचर वाली बात करो। जंगल में चलते हैं तो जाके अमरूद खाते हैं। और खोते जंगल में अमरूद नहीं होते, तुम्हारे जैसे बंदर होते हैं जो अमरूद खाते हैं। सर जी याद नहीं है जब मैं पपीते के दरख्त पे बैठ के तरबूज खा रहा था। लोगों को पागल ना बनाओ। पपीते के दरख्त पे बैठ के तरबूज खा रहा था। अपनी तरफ से बड़े तुम चलाक हो। नीचे से तुमने तरबूज तोड़ा था, पपीते के दरख्त पे चढ़ के तुमने खाया था। सर जी याद है आप जब सफेदे की सबसे ऊपर वाली टानी पे बैठे हुए थे तो चील ने आपको ठुंगा मारा था। मुझे याद है, तुम ज्यादा मुझे याद ना कराओ। उसने बड़े जोर से मारा था और वो एक नहीं थी, दो चीलें थी। ऊपर से उनको पता ही नहीं था कि इंस्पेक्टर टिंकू है इसका नाम। और अगर वो आपके हाथ आ जाती तो आपने भून के खा जानी थी। हाँ तो और क्या। सर जी ये चील हराम होती है या हलाल? ये चील जो होती है ना, ये अगर ये जंगल में हो ना तो फिर नहीं इसको खाना चाहिए। अगर ये बाहर उड़ती हुई आपको मिल जाए कहीं तो फिर आप खा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। सर जी आपकी तो आप ही जाने। यार वैसे वो होती बड़ी मजेदार है। सर जी चले आज फिर ना चील आलू खाते हैं। चलो ठीक है चलो। जंगल में जाते इस पे बैठ के। तुम तो नीचे उतरो, पहले स्टार्ट तो होने दो। सर जी, सर जी। ओए बंद हो गई है। मैंने तुम्हें पैसे दिए थे पेट्रोल के लिए, तुमने डलवाया क्या नहीं? जी सर मैंने घर वाली मोटरसाइकिल में डलवा ली। होते ही हो तुम, अब जंगल में कैसे जाएंगे? इधर करो मुंह। सर जी आइडिया। क्या? मोटरसाइकिल को उठा लेते हैं। हाँ इसको उठा के जंगल में कैसे फिरेंगे हम? सर जी चलो धक्का लगाओ, अब देख क्या रहे हो। चले सर ऊपर बैठे ना, इस तरह दोनों चल रहे हैं। तुम किस चक्कर में इतने फ्रैंक हुए? तुमने क्यों नहीं इसने पेट्रोल डलवाया? ये अलग बात है कि तुम इकट्ठे हम पड़े हैं, लेकिन तुम उस वक्त भी नालायक होते थे और पिछली सीटों पे बैठते थे। तो सर जी आज भी मैं पिछली सीट पे बैठा हूँ, नहीं स्टार्ट हुई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? दबा जो तुम, चलो तुम आगे लगो। अब नहीं तुम पीछे चलो, मेरा मतलब है कि तुम आगे लगो। ओ सर जी मुझे ये बताएं मैंने आगे चलना है कि पीछे चलना है? तुम आगे चलो ना, जंगल में सांप झुंप आ गया तो पहले तुम्हें काटेगा। तो पिछले को न्योला काटेगा? न्योला काटता है। वापस आओ तुम पीछे चलो, मैं आगे चलता हूँ। चलो मैं इस तरफ चलता हूँ, आप उस तरफ चले। ओ कोते जंगल इधर है। अच्छा। वाह क्या जंगल है भाई। वाह हमें ये सब दरख्त काटने हैं है? लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है बॉस। अगर टाउन के लोगों ने पुलिस को इत्तला कर दी तो हमारे लिए परेशानी हो सकती है। कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। हैं? जी बॉस। और तुम्हें पता है कि हमें यहाँ से कितना फायदा होगा? ओए हम ये सारी लकड़ी बड़ी महंगी कीमत में बेचेंगे। हैं? और बच्चे कहाँ पे हैं? बच्चे आने वाले होंगे। ले आ गए।
Think of the devil and devil is... दादी जान? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि हम लोग तुम्हें याद ही कर रहे थे और तुम लोग आ गए। अच्छा तो मुझे ये बताओ, आपकी स्टडीज कैसी चल रही है? एकदम परफेक्ट। गुड। जी जी, मैं बताऊं कितनी परफेक्ट चल रही है? नहीं नहीं, हम बता देंगे अब्बा जान, खेल के वक्त खेल और पढ़ाई के वक्त पढ़ाई। और पढ़ाई के वक्त मेरे दिमाग की लस्सी कौन बनाता? ओहो, पढ़ाई के वक्त लस्सी नहीं पीनी चाहिए, नींद आ जाती है। आप भी कभी बच्चों की परफॉर्मेंस को देख लिया करें कि कैसी जा रही है। बिल्कुल ठीक कह रही, मैं इस चीज से एग्री करती हूँ। माँ बाप दोनों का फर्ज होता है। दादी जान, आपका सीरियल कैसा जा रहा है जो आप आजकल देख रही थी? एकदम परफेक्ट। सास ने बहू को 2 सूट लाके दिए, बहू खुश। सच अम्मी जान, आप कितनी अच्छी हैं। कहाँ है वो सूट, मुझे भी दिखाएं। वो तो सीरियल में थे। फिक्र ना करें अम्मी जान, दादी जान आपके लिए भी ले आएंगी। क्यों दादी जान? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज ही ला कर दूंगी। मेरा बच्चा। सेल्फी हो जाए। कोई आ रहा है? चलो भागो, पीछे भागो, निकालो इसको। यार ये बड़ा घना जंगल है, ये हमारे इलाके में आता है, हमारे थाने में? सर जी, हमारे इलाके का ही जंगल है। यार मुझे ना इस बात से एक लतीफा याद आ गया है। बस सर, आप बड़े फिक्के लतीफे सुनाते हैं। बकवास बंद करो, पिन ड्रॉप साइलेंस जब मैं लतीफा सुनाता हूँ। चले सुनाए फिर। वो ना एक बच्चा होता है छोटा सा, तो वो आवाजें निकाल रहा होता है, वहाँ इस तरह की आवाजें निकाल रहा होता है। एक आदमी ना उसकी आवाजें रिकॉर्ड कर रहा होता है। अब क्या हुआ है? अभी लतीफा पूरा से सुन लो, बेवकूफ इंसान। अच्छा अच्छा, पूरा सुनाए। तो वो आवाजें रिकॉर्ड कर रहा होता है, तो दूसरा आदमी कहता है तुम इसकी आवाजें क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? वो कहता है अभी मुझे इसकी बातों की समझ नहीं आ रही, ये जब बड़ा होगा मैं पूछूंगा तुम उस वक्त क्या कह रहे थे। अब क्या हुआ? ओ हंसो बेवकूफ, खत्म हो गया। नहीं, इंस्पेक्टर टिंकू है मेरा नाम, और भूतों को पकड़ने है मेरा काम। भाई भूत चूत नहीं होते? नहीं होते भूत, नहीं होते। सर जी ये मुझे बता रही है कि खुद को बता रहे हैं। कोई असली है, मुझे लग रहा है असली है। तो ओ भागे। चलो आओ फेरो इस प्यारी। फेरो शाबाश। दरख्त हमारे लिए कितने जरूरी होते हैं ना, मगर हम इनके बारे में कभी सोचते ही नहीं। मैं तो सोचती हूँ, और देखना मेरे इस प्रोजेक्ट में फुल मार्क्स आएंगे। मुझे भी यही लग रहा है। उदास क्यों हो रहे हो मेरे भाई, मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके तुम्हारा भी कर दूंगी। थैंक यू माय स्वीट सिस्टर। मेंशन नॉट, तुम भी तो मेरी हमेशा हेल्प करते रहते हो ना। चलो फिर, मैं उमर हमजा की तरफ जा रहा हूँ खेलने के लिए। एक्सक्यूज मी, मैंने इतनी भी हेल्प करने को नहीं बोला। बाय बाय ज़ेन। ज़ेन अपना प्रोजेक्ट खुद करो। ज़ेन
नहीं सर जी, मैं हूँ इंस्पेक्टर टिंकू नाम है मेरा, भूतों को पकड़ना काम है मेरा, पर मेरी ऐनक नहीं मिल रही। ओ सर जी, मैं सोच रहा था ये दरख्त वाले भूत ने खुशी टोन के किसी फर्द को नुकसान पहुंचा दिया। वैसे पहले भी तो भूत आए थे, वो नकली थे। ओ सर जी, मेरा ख्याल है किसी ने हमारे खिलाफ साजिश की है। अब मैंने क्या किया? क्योंकि पहली दफा तुमने अच्छी बात की है, तो फिर चलो। कि कहा उसको चल के बताते हैं टीम बहादुर को। टीम वो चले सर, चले। इधर ना, इधर देखा था आपने भूत? भूत इधर देखा था सर जी? हम तो डर के भाग गए थे, हमने कहाँ देखा था। और तुम तो चुप करो। लेकिन यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। ओहो, मैंने अपनी इन आँखों से देखा है। सर जी, ये तो ऐनक है। गाइस, वो देखो, किसी ने दरख्त काट दिया है। हाँ, इसने भी दरख्त काटा है। उसने टिंकू मिंकू अंकल को डराया। क्या इन्हें पता नहीं है कि दरख्त हमें ऑक्सीजन देते हैं, दरख्त हमें साया देते हैं और दरख्त पर फल लगते हैं जो हम मजे मजे से खाते हैं। उन्हें नहीं पता होगा तो वो ये सब करके गए हैं ना। लेकिन अब हमें इन्हें बताना पड़ेगा। जो कोई भी ये कर रहा है उसे तो मजा चुकाना पड़ेगा। तो टीम बहादुर, एक और मिशन के लिए तैयार हो जाओ। रेडी? यस। बॉस, मैंने सारे दरख्त काट दिए। क्या बात, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ और मैं ना तुमको स्पेशल इनाम दूंगा। ये दरख्त क्यों हिल रहा है? बॉस, जैसे को तैसा, जैसे कल हमने पुलिस वालों को डराया था ना, ये दरख्त भी हमें डरा रहा। और तुम चुप करो, मुझे देखने दो। अरे बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बच्चा हूँ मगर बहादुर भी। चलो भागो यहाँ से। जाना मुझे नहीं, आप दोनों को पड़ेगा। एक लगाऊंगा है। पकड़ लिया, पकड़ लिया। अरे तुम यहाँ, अब इसमें पता नहीं यहाँ भूत रहते हैं। कोई भूत नहीं है, पुलिस को बुद्धू बनाते हो। अभी बताता हूँ मैं। ये दरख्त मेरे दोस्त हैं। तुम तो कहते हो ये तुम्हारे दोस्त हैं। ओहो अंकल, पूरी बात तो सुन लें। और जिस किसी ने भी इनको काटने की कोशिश की तो उनका अंजाम इन जैसा होगा। अच्छा जी, इन जैसा होगा। आगे मुंह करो। अब क्यों मारा? क्योंकि तुमने बात बड़ी अच्छी की है। अच्छी बात पे भी थप्पड़? अरे पगले, ये तो प्यार के थप्पड़ है, इंस्पेक्टर टिंकू के थप्पड़। वन मोर। ये लो। अस्सलामुअलैकुम मम्मी। अस्सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या बना तुम लोगों के प्रोजेक्ट का? अम्मी, यू नो, मेरे 95% आए हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। तुमने मेहनत भी तो कितनी की थी ना। और मेरे 45% आए हैं। आज देखना, मैं अपने बेटे को नमक मिर्चों वाली सेवियां बना के खिलाऊंगी। नमक मिर्चों वाली सेवियां मतलब?
वही जो तुम दोनों इतने शौक से खाते हो। अम्मी नमक मिर्च वाली सेमिया नहीं, उसे स्पैगेटीज कहते हैं। अच्छा हाँ वही ना। और एक मिनट, आपने आज तक मेरे 45% आने पे तो कभी स्पैगेटीज नहीं बनाई। इसीलिए कि मुझे रोज रोज बनानी ना पड़ जाए। सही कह रही है। और मेरा पुत्र, तू दिल छोटा ना करना, मुझे मालूम है तुझे बुरा लग रहा होगा। एक्चुअली मुझे मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। क्यों मेरा पुत्र, तू ठीक तो है ना? जी अम्मी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ अगर मैंने एनवायरमेंटल पोल्यूशन प्रोजेक्ट में 45% लिया है? मैंने अपने खुशी टांग कर दरख्तों को बचाया एनवायरमेंटल पोल्यूशन से, और यही मेरी जीत है। अरे मैं सदके जाऊँ, यही तो बात है। चलो चले अंदर।